मैं डॉक्टर अरुण सेठी एम जी ऑफ्थैल्मिक डायरेक्टर अरुणोदय डेजर्ट आई हॉस्पिटल गुड़गांव. वी हैव एन जी ओ कॉल्ड अरुणोदय चैरिटेबल ट्रस्ट. हमारा मकसद है कि हम हर इंसान तक पहुँचें, अमीर और गरीब जिनको की आँखों की तकलीफ हो उसका इलाज करवाएं, उनको चश्मे दिलवाएं, उनको दवाइयाँ चाहिए तो वो दिलवाएं. हमें खुशी है कि 1990 में शुरू किया गया इस प्रोग्राम ने अब 16 लाख से ज़्यादा गरीब मरीज कवर हो चुके हैं, उनको चश्मे दवाइयाँ और 60,000 से ज़्यादा मुफ्त मोते अब इनके ऑपरेशन हो गए. एंड सर, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस इवेंट? द पैन ऑफ्थैल्मोलॉजी का हमारा एनुअल इवेंट होता है. ये दो हिस्सों में बांटा जाता है. सर्दियों में हम करते हैं लाइव इवेंट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को होता है वर्ल्ड साइट डे, वो जो कि है हम लोग करते हैं और वर्चुअल बेसिस थ्रू जूम. उसमें हम इंटरनेशनली तकरीबन 5 कॉन्टिनेंट से 70 से 80 आँखों के डॉक्टर्स मिलते हैं और हम नॉलेज शेयर करते हैं. हमारा मकसद इस कॉन्फ्रेंस का होता है कि जो नई चीज़ें हो रही हैं हमारे फील्ड में उनको कैसे सिम्प्लीफाई किया जाए और आम आदमी तक लेके जाया जाए. तो हम चाहते हैं कि जैसे कि किसी को काला मोतिया हो, डायबिटीज़ है, उसकी आँखें इन्वॉल्व हो रही हों और उनके बच्चों की आँखों में बैंगापन हो, उसका इलाज हो, उनको समझाएं और हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं. सो इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेविलेंट आई डिसऑर्डर्स कौन से हैं? शुरुआत से जो आई डिसऑर्डर प्रेविलेंट है वो है मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट. उसके बाद आता है चश्मों की जरूरत यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर. और नंबर 3 पे अब चल रहा है ग्लोकोमा, उसके जिसको काला मोतिया संभल भाई भी कहते हैं. और 4 नंबर पे है डायबिटीज जो कि बहुत बड़ा हो गया. आर देयर एनी लाइफस्टाइल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स व्हिच आर अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर आई डिसऑर्डर? यस, हाइपरटेंशन डायबिटीज आर 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी कॉमन. और ये दोनों जो है खून की नालियों को अफेक्ट करते हैं. डायबिटीज खून की नालियों को कच्चा करती है और उससे खून निकलता है. ये आप तब देख सकते हैं जबकि आप आंख के पर्दे की जांच करें. पूरे जिस्म में खून की नालियां सिर्फ आंख के पर्दे यानी रेट्रा में देखी जा सकती हैं. इसलिए कई बार आंखों के डॉक्टर ही डायग्नोस करके बताते हैं मरीज को कि तुम्हें डायबिटीज है. दूसरी चीज़ें ब्लड प्रेशर में जो नालियाँ हैं वो पतली हो जाती हैं और सुखड़ जाती हैं, तो वो देख के पता लग जाता है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं है. उसके अलावा जो कि आंखों में अब कई और डिजीज आ गई जैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन जो उम्र के साथ होती हैं, उसका अगर इलाज पहले ना किया जाए तो वो लोग रोशनी खो सकते हैं और वापस नहीं आते. कैन यू प्लीज शेयर सम आई एक्सरसाइजेस दैट यू आल्सो प्रैक्टिस रेगुलरली? आई एक्सरसाइज की सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये है कि दिन में एक तो योगा जरूर करना चाहिए, दूसरा जो है ठंडी खुली हवा में सैर करना बहुत जरूरी है. आजकल के दिनों में जो बच्चे हैं वो लैपटॉप और एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मायोपिया का ऐसा उन्होंने उल्लंघन किया है कि मायोपिया बढ़ता जा रहा है. अगर इनकी खुराक अच्छी हो या फिजिकल एक्टिविटी करें और अच्छी हवा में चलें और अपना जो कि पेन के साथ एक्सरसाइज करें कन्वर्जेंस की, तो उम्मीद है कि मायोपिया यहाँ रोक जा सकता है. नहीं तो आगे चलने वाली जो हमारी पुश्तें आएंगी वो सब इतने मोटे मोटे चश्मे लगाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे क्या हो रहा है. ओके सर, एंड लास्टली वॉट इज, जिसे हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं वैसी आई चेकअप का क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एंड कौन सी एज पे एग्जैक्टली आपको आई चेकअप? आई चेकअप का 1 साल की उम्र में, फिर 3 साल और 5 साल की उम्र में तो कराना ही चाहिए. उसके अलावा अगर हो सके तो साल में एक बार ही जरूर होना चाहिए रूटीन चेकअप, जिसमें कि वो देखना चाहिए कि इनका कोई चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा, कोई और तकलीफ तो नहीं आँख में, क्योंकि आँख ऐसी जरूरी चीज़ है आज की दुनिया में. खास करके बच्चे जो हैं वो एक आँख से नहीं देख सकते, उनको पता ही नहीं लगता, वो शुरू से आदत पड़ जाती है एक आँख से देने के लिए. लेकिन अगर चेकअप होता है तो अर्ली स्टेज में हम उनको पकड़ के इलाज कर सकते हैं.